दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी अभी मैंने भी एक प्लॉट खरीदा था एक अच्छे बिल्डर का, और वहाँ पर लेने के पहले सबसे बड़ा मेरा कंसर्न था कि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के बीच से जो है वो एक हाई टेंशन वायर गुजर रहा है, तो वो हाई टेंशन वायर के गुजरने से कहीं कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, कहीं कोई खतरा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने सोची, और इन सब चीज़ों को सोचने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ा सा पता किया, तो जो जानकारियाँ मुझे मिली उन जानकारियों ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं यहाँ पर एक प्लॉट खरीद लूँ। तो फिर उसके बाद मैंने ये प्लॉट खरीद लिया, और उसके बाद मैंने सोचा कि ये जानकारी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि इजीली अवेलेबल नहीं होती है। लोगों को बहुत सारे मिथ और भ्रम होते हैं इन चीज़ों को लेकर के, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना करके सबको अवेयर किया जाए कि क्या होता है एक हाई टेंशन वायर के आसपास या उस पर्टिकुलर कॉलोनी में या उस पर्टिकुलर एरिया में या उसके नीचे या उसके बाजू में प्लॉट लेने से क्या क्या आपको चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ आज बताने वाला हूँ, इस वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया है। सो डोंट थिंक कि मैं किसी प्रोजेक्ट को या किसी को प्रमोट करने के लिए ये बना रहा हूँ, बट टू मेक यू अवेयर कि व्हाट इज़ द फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के, और आज की वीडियो जो है वो बहुत ही स्पेशल और इन्फॉर्मेशनल होने वाली है, क्योंकि आज मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में आपको एक नई चीज़ बताने वाला हूँ और एक सोल्यूशन बताने वाला हूँ जो कि रिलेटेड है आपके अपने घर से। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें। सो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, घर बनाना हर किसी का सपना होता है, और हर बड़े और छोटे शहर में अलग अलग टाइप के प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं घर बनाने के लिए। तो आप भी अपना एक घर बनाना चाहते हो, और वहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि होती है हाई टेंशन वायर की। तो अगर आपके भी घर या प्लॉट के पास से हाई टेंशन वायर गुजर रहा है, ऊपर से या बाजू से या इधर से कहीं से भी अगर वो हाई टेंशन वायर गुजर रहा है, तो उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि हाई टेंशन वायर के आसपास घर नहीं बनाना चाहिए, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है, बट फिर भी उसके सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, कितनी दूर तक घर हमें नहीं बनाना चाहिए, इतनी दूरी जो है वो सेफ्टी डिस्टेंस मानी जाती है। आइए आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हाई टेंशन वायर से हमारा घर या मकान की दूरी या हमारे बिल्डिंग की दूरी वर्टिकल डिस्टेंस में और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कितनी दूरी पर होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं अपनी सारी जानकारियां। दोस्तों, एज पर IS कोड 5613 पार्ट 2 सेक्शन 1 के हिसाब से जो मेजर्स दिए गए हैं हाई टेंशन वायर से डिस्टेंस को लेकर के, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो हाई टेंशन वायर होती है, इलेक्ट्रिक करंट केवल उस वायर से होकर के ही नहीं गुजरता है, एक उस वायर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, वो इलेक्ट्रिसिटी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से होकर के भी बहती है। तो कई बार हमने सुना होगा ना कि हाई टेंशन वायर ने दूर से ही किसी को खींच लिया, तो एक्चुअली वो खींचता नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है उसके चारों ओर। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के सभी एरिया में भी अगर आप आ जाएं तो भी इलेक्ट्रिसिटी का झटका आपको लग सकता है। तो वो पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या होता है हम देखेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस के बारे में बता दूं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोस्तों वो होता है कि अगर ये इलेक्ट्रिक पोल है और अगर आप यहाँ घर बना रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रिक वायर से आपके घर की दूरी हॉरिजॉन्टली कितनी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मतलब अगर यहाँ पर खंभा खड़ा हुआ है और ऐसे तार जा रहा है, तो आपकी जो बिल्डिंग ऐसे जाने वाली है, तो दिस डिस्टेंस कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और वर्टिकल डिस्टेंस की अगर बात करें, तो अगर ऊपर से तार जा रहा है और अगर आप नीचे से बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, अपना घर खड़ा कर रहे हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वो वायर और आपके घर की हाइट के बीच का, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस। तो आइए अब हम जानते हैं कि IS कोड 5613 पार्ट 2 सेक्शन 1 के हिसाब से जो मेजर्स दिए गए हैं हाई टेंशन वायर के डिस्टेंस को लेकर के ऑन वर्टिकल बेसिस एंड ऑन हॉरिजॉन्टल बेसिस वो क्या है, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर के पास से 11 केवी या 22 केवी का हाई टेंशन वायर गुजर रहा है, तो उसके लिए वर्टिकल डिस्टेंस जो आपके घर का होना चाहिए, मतलब तार और उसके नीचे अगर आपका घर है, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस शुड बी 3.66 मीटर्स वर्टिकली। और अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें, तो वो डिस्टेंस होगा 1.83 मीटर्स। दोस्तों, मीटर को फीट में कैलकुलेट करना हो तो आप जानते हैं कि 3.28 से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसका भी मैं आपको
फॉर्मूला नीचे लिख करके दे देता हूँ, सो आप इजीली समझ पाएंगे। 3.66 मीटर विल बी इक्वल टू अराउंड 12 फीट, सो दिस इज द कैलकुलेशन। तो दोस्तों अगर आपके घर के पास से 33 केवी की अगर लाइन गई है तो उसका भी जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट विल ऑल्सो बी 3.63 मीटर वर्टिकली एंड 1.83 मीटर हॉरिजॉन्टली होगा। और दोस्तों 66 केवी की अगर लाइन गई हुई है तो उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा 3.97 मीटर्स होगा और 2.14 मीटर्स हॉरिजॉन्टली होगा। और दोस्तों अगर यही लाइन 110 केवी की है तो इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा 4.58 मीटर वर्टिकली एंड 2.75 मीटर हॉरिजॉन्टली होगा। और दोस्तों यही लाइन अगर 132 केवी की है तो इसका भी वर्टिकल डिस्टेंस होगा 4.58 मीटर वर्टिकली एंड 2.75 हॉरिजॉन्टली। दोस्तों यही हाई टेंशन वायर अगर 220 केवी का है तो उसका वर्टिकल डिस्टेंस होगा 5.49 मीटर्स वर्टिकली एंड 3.66 मीटर हॉरिजॉन्टली होगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट एक चार्ट है जो मैं आपको स्क्रीन पे अभी दिखाने वाला हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। अगर आप एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं और आपके प्रोजेक्ट के ऊपर से भी कोई लाइन गई हुई है और अगर आपको उसे बेचने में प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ दिस हाई टेंशन लाइन, तो आप ये फॉर्मूला अपने कस्टमर्स को बता के रेफर कर सकते हैं। और अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और अगर आपसी हाई टेंशन वायर के आसपास ही आपका प्लॉट है जहां पे आपको घर बनाना है तो वहां पे आप इन मेजर्स को रेफर कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कांटेक्ट कर सकते हैं कि एक्चुअल हाइट इसकी कितनी है और आप किस हाइट तक घर बना सकते हैं। टेक ऑल द अप्रूवल्स बिफोर मेकिंग योर हाउस। और दोस्तों एक और मिथ है, हाई टेंशन लाइन के पास जब भी लोग खड़े होते हैं तो थोड़ा सा एक डर उन्हें महसूस होता है और उनको लगता है कि कहीं ये हाई टेंशन वायर टूट तो नहीं जाएगा। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो हाई टेंशन वायर होता है ये ऊपर से एल्यूमिनियम की या कॉपर की मल्टीपल वायर्स को रोल करके बनाया हुआ होता है और उसके अंदर एक बहुत ही मोटा स्टील का भी वायर होता है जो कि उसे कभी भी टूटने नहीं देता है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये वायर कभी भी टूट सकता है तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि ये वायर कभी टूटे। आपने भी शायद ही रेयरली कभी देखा या सुना होगा कि कोई हाई टेंशन वायर टूट करके गिर गया। और कभी कभार अगर होता भी है तो उस केस में भी क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई हाई टेंशन वायर कभी भी टूट करके नीचे गिरता है तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो ग्राउंडेड हो जाती है। हाई टेंशन वायर जो है वो टूटता है तो वो लाइन जो होती है उस लाइन में से जो करंट होता है वो इमीडिएटली ड्रिप कर दिया जाता है। विद इन सेकेंड्स वो इलेक्ट्रिसिटी वहां से फ्लो होना बंद हो जाती है। यू आर एब्सोल्युटली सेफ, सो डोंट वरी अबाउट कि कभी लाइन टूटती है या उसके टूटने के बाद से कोई करंट लग सकता है ना। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने घरों का निर्माण करें, अपने कॉलोनीज में प्लॉट लें और सेफ्टी मेजर्स को ध्यान रखते हुए सारे अप्रूवल्स लेने के बाद ही घर का निर्माण शुरू करें।